हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी बायोलॉजी ऑडियो सीरीज। मैं हूं आयुष सिंह और आज हम पढ़ रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो शुरू करते हैं। इसके पहले आप सभी शांति से हेडफोन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से सुने। 2.2.1 पुंकेसर लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। चित्र 2.2 अ एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु यानी फिलामेंट कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोष कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों यानी प्रत्येक भिन्न प्रजाति से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर को सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में पराग कोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोष द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। चित्र 2.2 अ। प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक यानी कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए पराग कोष चित्र 2.3 अ के अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझें। पराग कोष के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। पराग कोष एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पराग पुट्टी यानी पोलन सैक्स बन जाती हैं। यह अनुलंबवत एक पराग कोष की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। अगली हेडिंग है लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूप रेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। चित्र 2.3 ब। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम यानी अंतस्थीसियम, मध्य परत तथा टेबिटम बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परागकोष के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत टेबिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेबिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रीय बन सकती है? जब एक पराग कोष अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। अगली हेडिंग है लघु बीजाणुजन। जैसे जैसे पराग कोष विकसित होता है बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। चित्र 2.3 अ। जैसे ही पराग कोष परिपक्व एवं स्फुटित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और पराग कणों चित्र 2.3 अ के रूप से विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और पराग कण निर्मित होते हैं, पराग कण जो पराग कोष के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। अगली हेडिंग है पराग कण, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।